हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सबसे पहले आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में स्वागत है। जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को भी कहें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सॉलिड स्टेट का यह 12वां वीडियो लेक्चर है और लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, आपको याद हो। थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे और जिसमें मैंने आपको कहा कि आपके सिलेबस में 5 आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। 5, हालांकि और भी है लेकिन 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। कौन कौन से? तो पहला था आपका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, दूसरा था आपका पहला सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, दूसरा आपका है सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, तीसरा आपका है फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, चौथा एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर और पांचवा है जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने आपको सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को काफी डिटेल पढ़ाया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। तो उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पांचों आप स्ट्रक्चर एक साथ पहले पढ़ लें, उसके बाद हम आपको सवाल करने को देंगे, ठीक है, या करेंगे क्लास में वो सवाल। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। तीसरा जो हमारा तीसरा है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कई बार क्या होता है कि बच्चे फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब सोचते हैं कि फ्लोराइड से रिलेटेड है, फ्लोराइड F से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्लोराइड का मतलब कुछ और होता है। F का मतलब होता है फ्लोराइड, फ्लोराइड लिखे फ्लोराइड FLUORITE। इस फ्लोराइड को फ्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है जिसका फ्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ये समझना आपने को। तो जितने भी AX2 टाइप के जो भी स्ट्रक्चर होंगे, AX2 टाइप मतलब 1:2 में जो भी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा, हम उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। AX2 टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, मतलब 1:2 में। आयनिक कंपाउंड में दो चीजें होते हैं, केटायन एनायन। तो केटायन और एनायन अगर 1:2 में है, 1:2 में अगर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मतलब हम बोल सकते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर को AX2 टाइप स्ट्रक्चर, AX2 टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, ऐसे तो कई सारे कंपाउंड्स होंगे जो AX2 टाइप में होता है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। इस फ्लोराइड का इससे कोई लेना देना नहीं, CF2 CaCl2 भी है ना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो जाए। लेकिन हम लोग चलो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, ये हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। इसमें दो तरह का बेसिस है। एक आपका है कैल्शियम डबल प्लस केटायन और एक आपका है एनायन F-। ये आपका है केटायन और ये आपका है एनायन, है ना, ये केटायन ये एनायन। आपको याद होगा कि जनरली केटायन क्या होता है, स्मॉल आयन होता है, और एनायन क्या होता है, बिगर आयन होता है, जनरली आमतौर पे। लेकिन जितना भी आपको आयनिक का स्ट्रक्चर पढ़ना है उसमें एकलौता ये ऐसा कंपाउंड है CF2 जिसमें केटायन आपका बिगर आयन है, केटायन आपका बिगर आयन है। मतलब अगर हम लोग बात करें साइज की, अगर मैं बात करूं यहां पे साइज, तो कैल्शियम डबल प्लस और F- में अगर हम साइज की बात करें, साइज की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड का साइन बड़ा होता है F- साइन के साइज। क्यों? ड्यू टू
हाई कॉर्डिनेशन होगी। अब एक बात आपको ये बताते हैं, ये जो साइज वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको क्लास 11th में प्रेडिक्टेबल में पढ़ना होता है, क्लास 11th में। हालांकि अगर आप गूगल कीजिएगा कैल्शियम डबल प्लस आयन और फ्लोरीन एफ पर सिंगल माइनस आयन का अगर साइज को कंपेयर कीजिएगा या उसका साइज अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि एफ माइनस आयन का साइज बड़ा होता है लेकिन कैल्शियम डबल प्लस आयन का साइज छोटा होता है। पर यह समझिए इस बात को, कैटायन छोटा है, अगर इंडिविजुअली अगर देखिएगा कैल्शियम डबल प्लस आयन एफ सिंगल माइनस आयन के साइज को अगर आप कंपेयर करते हैं तो कैल्शियम डबल प्लस आयन का साइज छोटा होता है एफ माइनस आयन के साइज से इंडिविजुअल अगर आप देखिएगा। लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड में CF2 में कैल्शियम डबल प्लस आयन का साइज बड़ा होता है और बड़ा होने का रीजन है कैल्शियम डबल प्लस आयन ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन को अटैच करना चाहता है या ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन उससे अटैच होता है। आप ये समझिए एटम का मतलब ये नहीं होता कि सीमेंट वालों का दीवार है और जहां तक सीमेंट वालों का दीवार बना हुआ वो एटम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि न्यूक्लियस का कहां तक इन्फ्लुएंस है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। अब होता क्या थोड़ा समझिएगा, जैसे हम आपको बोले कि कैल्शियम अगर अलग है, सी डबल प्लस अलग है, एफ माइनस अलग है, तो कैल्शियम डबल प्लस आयन छोटा है, एफ माइनस आयन बड़ा है। लेकिन अगर कैल्शियम फ्लोराइड के कंपाउंड में देखेंगे तो कैल्शियम भी कई सारे हैं, फ्लोरीन भी कई सारे हैं, तो कैल्शियम डबल प्लस आयन क्या करता है अपने साइज को बढ़ा लेता है, क्योंकि कैल्शियम डबल प्लस आयन क्या करता है कि फ्लोरीन को ज्यादा से ज्यादा अटैच करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा अटैच करने के लिए अपने फील्ड को बढ़ा लेता है। तो फील्ड को बढ़ाने की वजह से कैल्शियम डबल प्लस आयन का साइज बड़ा हो जाता है, फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम देखिए यहां पर ड्यू टू हाई कॉर्डिनेशन नंबर, अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल, उसमें साइज का एक फैक्टर है डिफाइन करने के लिए हाई कॉर्डिनेशन नंबर। आप ऐसे समझिए कैल्शियम डबल प्लस आयन एक बार मान लीजिए कि चार फ्लोरीन के टच में है, और सेम कैल्शियम डबल प्लस आयन को अगर आठ फ्लोरीन के टच में रखना है तो जरा सोच कर देखो कि किस कंडीशन में कैल्शियम डबल प्लस आयन का साइज बड़ा होगा। ऑब्वियस है दूसरे वाले कंडीशन में, क्योंकि दूसरे वाले कंडीशन में आठ फ्लोरीन को टच में लाना है तो उसके लिए अपने आप को साइज को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन पहले वाले कंडीशन में कैल्शियम डबल प्लस को चार ही फ्लोरीन से जुड़ना है इसलिए उसके साइज छोटे रहेंगे, है कि नहीं? या ऐसे एग्जांपल समझते हैं, केमिस्ट्री से थोड़ा हट के समझते हैं। जैसे आप एक छोटा सा बात समझिएगा, एक चीनी का दाना है और एक लड्डू है, तो चीनी के दाने पे अगर चींटी लगता है तो एक चीनी के दाने पे ज्यादा से ज्यादा कितना चींटी लग सकता है, चार पांच छह, चलिए मान लेते हैं छह चींटी लगा हुआ है। लेकिन अगर लड्डू अगर है लड्डू, तो उस लड्डू पे न जाने कितने सारे चींटी उस पे आ सकता है, लग सकता है। तो एक चीज बताओ मुझे, चींटी लड्डू से ज्यादा चींटी लड्डू से संपर्क में रहेगा तो उस कंडीशन में लड्डू का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, लेकिन जो चीनी का दाना है उससे कम चींटी अटैच है टच में है तो चीनी का उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। यही तो बात आपको समझा रहे हैं, कैल्शियम जब आयन कैल्शियम डबल प्लस आयन वो छोटा तब रहेगा जब वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर में है, मतलब जब उससे कम एटम टच में है। लेकिन जब उसको ज्यादा एटम के टच में लाना पड़ेगा या होना पड़ेगा तो उस समय वो अपने साइज को बड़ा कर लेगा। हालांकि वाला फैक्टर जो है फिलहाल के लिए भी आप ध्यान रखिए, जब आप क्लास में पढ़िएगा अच्छे से तो उसमें देख लीजिए ये वाला। तो साइज ध्यान रखिए, आप लोग कैल्शियम डबल प्लस आयन का साइज, हाँ ये ध्यान रखिए, फ्लोरीन कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम डबल प्लस आयन का साइज बड़ा होता है। तो कैटायन यहां पे क्या है, बिगर आयन, देखिए हम लिख रहे हैं यहां पे बिगर आयन, और एनायन क्या है आपका, ये आपका सिंबल है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। इकलौता ऐसा केस है जिसमें कैटायन एनायन से ही बड़ा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है अपने को इसमें। चलिए इसकी बात करते हैं। अच्छा अब आइए सर, अब सवाल ये है कि सर कौन कहाँ रहेगा। तो आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले ही समझाया था, याद करो बेसिक कुछ नॉलेज दिए थे आप हमने आपको कि आयनिक कंपाउंड में जो बिगर आयन होता है वो वन ऑफ द ब्रेविस लैटिस को ऑक्युपाई करता है। चूंकि आप आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ऑब्वियस है काफी कॉम्पैक्ट पैकिंग होगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने के लिए बिगर आयन को कौन से ब्रेविस लैटिस पे जाना पड़ेगा, पीसीसी बीसीसी या एफसीसी। तो आपका आंसर होना चाहिए एफसीसी, बिल्कुल एफसीसी जाएगा। तो देखो ये आपका जो है एफसीसी लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करेगा, एफसीसी बिगर आयन को लैटिस पॉइंट को ये ऑक्युपाई करेगा एफसीसी लैटिस पॉइंट। और जो स्मॉलर आयन है, अब जरा समझिएगा अच्छे से, जो स्मॉलर आयन एनआयन, सवाल ये कि ये कहां जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि वो वॉइड में जाएगा, वॉइड में,
लेकिन सीसीके में तो व्हाइट दो तरह का बनता है, ऑक्टेट में व्हाइट, टेट्राहेड में व्हाइट। तो सवाल ये है कि सर अब कौन व्हाइट में जाएगा? तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जरा सोचो, कैल्शियम क्लोराइड CaF2 है, तो फ्लोरीन को अगर तुम ऑक्टेट में व्हाइट में अगर भेजोगे, ऑक्टेट में व्हाइट में फ्लोराइड आयन NaN को जो छोटा है, अगर ऑक्टेट में व्हाइट में भेजोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम का संख्या होगा 4, और फ्लोरीन अगर ऑक्टेट में व्हाइट में जाएगा फ्लोराइड आयन तो उसका भी संख्या होगा 4, और फॉर्मूला होगा CaF। तो ऑब्वियस CaF तो फॉर्मूला होता नहीं कैल्शियम फ्लोराइड का, CaF2 होने के लिए फ्लोराइड आयन को कहां जाना पड़ेगा? टेट्राहेड्रल व्हाइट, क्योंकि टेट्राहेड्रल व्हाइट में जाएगा तब ना, टेट्राहेड्रल व्हाइट में जाएगा तो 8 आएगा फ्लोराइड आयन और कैल्शियम 4 आएगा, 4 और 8 का रेशियो 1:2 आएगा, तब ना कैल्शियम CaF2 फॉर्मूला होगा। बिल्कुल, तो ये आपका जाएगा किसमें? टेट्राहेड्रल व्हाइट में जाएगा, है ना, ये टेट्राहेड्रल व्हाइट में चला जाएगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वाला ही आप याद रखें। अब ये जिसको याद है कि कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम डबल प्लस आयन बिगर आयन है, एब्सिसिल एट इस पॉइंट को ऑक्युपाई करता है, जबकि फ्लोराइड आयन स्मॉलर आयन है और टेट्राहेड्रल व्हाइट को ऑक्युपाई करता है। अगर आपको ये याद है, बाकी कई सारे पैरामीटर्स जो है वो आपको ऐसे याद हो जाएगा। चलिए देखिए कि करके देखते हैं। सही पूछते जरा आपसे, देखिएगा जरा अच्छे से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ कैल्शियम डबल प्लस आयन पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कैल्शियम डबल प्लस आयन का संख्या कितना मिलेगा? तो कैल्शियम डबल प्लस आयन है एब्सिसिल एट इस पॉइंट में, तो इसका आंसर होगा कितना? 4। वेरी गुड, 4 होगा। भी अगर मैं आपसे बोलूं इफेक्टिव नंबर ऑफ एफ माइनस आयन पर यूनिट सेल, एफ माइनस आयन है कहां पे? टेट्राहेड्रल व्हाइट में, और याद करो टेट्राहेड्रल व्हाइट का इफेक्टिव संख्या पर यूनिट सेल कितना होता है? 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल व्हाइट एक बॉयड एंगल पे 2 बनता है, तो ऐसे 4 बॉयड एंगल होते हैं, 8 बनता है, और जो बॉयड एंगल पे बनेगा वो पूरा का पूरा एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसका संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना, 8। तो अगर हम बोले आपसे इफेक्टिव नंबर ऑफ CaF2, ये तो आयन नहीं मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल का संख्या कितना होगा? तो जरा समझो, एक यूनिट सेल में कैल्शियम का संख्या 4 है, एक यूनिट सेल में फ्लोराइड का संख्या 8 है, तो कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा? ऑब्वियसली 4 बनेगा। इस कैल्शियम क्लोराइड का पर मॉलिक्यूल कितना मिल जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। देखो ये हो गया। चलिए आगे फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, बढ़िया समझिएगा थोड़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताना आसान है, केटायन का कि एनायन का? केटायन एनायन छोड़िए पहले, आप कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताना आसान है, जो स्मॉलर आयन होगा या जो बिगर आयन होगा? आंसर होना चाहिए स्मॉलर आयन। क्यों? क्योंकि स्मॉलर आयन किसी ना किसी वॉइड में जाएगा, और आपको वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, आप उसका निकाल सकते हैं, और जब एक बार स्मॉलर आयन का निकल गया तो बिगर आयन का निकालना और भी आसान है, क्योंकि हमने आपको एक क्लास में ट्रिक दिया था कि अगर कोई एनी कंपाउंड 1x:y में है तो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो रेसिप्रोकल के बराबर होगा, मतलब उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो जो होता है वो रेसिप्रोकल के बराबर होता है उनका एटम का रेशियो, है ना, ऐसे भी हमने पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताना आसान है? स्मॉल आयन का जो y में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ f माइनस आयन है किसमें? ये इन t में, टेट्राहेड्रल व्हाइट, टेट्राहेड्रल व्हाइट में, इन t में, तो कितना होगा इसका? 4 होगा, क्योंकि आपको याद होगा 4 टेट्राहेड्रल जो व्हाइट होता है, जो व्हाइट बनता है वो 4 बिगर आयन के टच में होने के कारण बीच में गैप बनता है, जिसको टेट्राहेड्रल व्हाइट बोलते हैं, मतलब कि टेट्राहेड्रल व्हाइट में आपका फ्लोराइड आयन है, स्मॉलर आयन है, और ये जो टेट्राहेड्रल व्हाइट है वो कैसे बना हुआ? 4 बिगर आयन के घिरने से, जिसका मतलब कि एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम डबल प्लस आयन के टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया फ्लोराइड आयन का? 4 हो जाएगा। याद है ना आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखते हैं कि एक एनायन से कितने केटायन टच में है, और केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए देखते हैं कि एक केटायन कितने एनायन के टच में है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो फ्लोराइड आयन एक फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल व्हाइट में, तो 4 कैल्शियम डबल प्लस आयन से टच में होगा। और देखो अच्छे से, अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम डबल प्लस आयन
ये बताना बड़ा आसान हो गया। ये किसमें है? एफसीसी में, एफसीसी लैटिस पॉइंट में। अभी तो बताना बड़ा आसान हो गया। कैसे बताना आसान हो गया, थोड़ा देखिए अच्छे से। एटम का रेशियो कितना है? 1:2 है, है ना, एटम का रेशियो। तो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकली बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ माइनस डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस आयन, ये हुआ ना 1/2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोराइड बटा कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड प्लस फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन ऑफ कितना होता है? 4। यहां पे 4 होगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस आयन का, नहीं फ्लोराइड आयन का, सॉरी 4 होगा, 4 फ्लोराइड आयन का हो गया। तो कोऑर्डिनेशन इसका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और इसका 8 आएगा भी। अब दो तरीके से, एक तो ये लॉजिक लगा सकते हैं, एक ट्रिक लगा सकते हैं। एक तरीका आपको मैंने पढ़ाया था, एक तरीका थोड़ा याद कराते हैं आपको, इमेजिनेशन। आप याद कीजिए एफसीसी लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे और √3/4 डिस्टेंस पे यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, √3/4 डिस्टेंस यहां पे एक यूनिट सेल, ऐसे कई सारे यूनिट सेल रिपीटिंग यूनिट होता है, कई बार रिपीट करके इंटायर सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। इसके बगल में भी एक यूनिट सेल, इसके पीछे भी, इसके पीछे के पीछे भी, चारों ऊपर भी। तो अगर √3/4 डिस्टेंस इधर आए तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब एक फ्लोराइड आयन टच में हो गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस आयन से। बगल में भी जो वॉइड एंगल के वॉर्ड्स आएंगे √3/4 डिस्टेंस उसके टच में होगा, इसके पीछे, इसके पीछे के पीछे, चारों पर। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, है ना। चलो ये हो, इसके आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगर हम बात करें कि केटायन और एनायन के डिस्टेंस का सम आर केटायन प्लस आर एनायन, ये कितना होगा? केटायन एनायन के डिस्टेंस का जो सम है केटायन एनायन, ये कितना होगा? पहले तो आप ये सोचिए पहले कि केटायन एनायन अगर टच में है तो एक केटायन एनायन से किसके अलोंग टच में है? केटायन आपका एब्सिसी लैटिस पॉइंट पे है, एनायन आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और आप जानते हैं कि जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो √3a/4 है, और केटायन आपका कॉर्नर पे रखा हुआ है और एनायन आपका √3/4 डिस्टेंस वॉइड एंगल के अबाउट √3/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो दोनों के सेंटर को जोड़ेंगे तो वो दूरी कहलाएगा आपका आर केटायन प्लस आर एनायन, और वो दूरी एक टर्म्स में √3a/4 के बराबर हो जाएगा, √3a/4। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है सब हम आपको पढ़ा चुके पहले, इसलिए आपको उतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत अभी नहीं है, आप सब सीख रहे होंगे, है ना। चलो √3a/4 ये आर के टाइम प्लस आर एनायन। और अगर रेडियस रेशियो की बात करें, रेडियस रेशियो तो ये कितना होगा? आर के टाइम बटा आर एनायन, रेडियस रेशियो। याद कीजिए वॉइड कैसा है, वॉइड आपका क्या है? एक चीज तो गलत लिखे पहले, आर के टाइम प्लस आर एनायन नहीं लिखना चाहिए हमको, रेडियस रेशियो याद करो आर स्मॉलर बटा आर बिगर होता है, यहां स्मॉलर आपका एनायन है, बिगर आपका केटायन है, तो आर ए बटा आर सी ये कितना होगा? चूंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है, या तो आइडियल केस में टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में 0.225 के बराबर होता है, 0.225 ये तो आपका ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये ट्रू ओनली इन आइडियल केस, दैट इज when anion anion are in contact, ये है ना। तो एक सम पता चल गया और एक आपको रेशियो पता चल गया, anion बटा केटायन 0.225, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद आते हैं डेंसिटी। अगर हम लोग बात करें डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला Z इंटू एम बटा एन ए इंटू ए क्यू, याद होगा आपको Z इंटू एम बटा एन ए इंटू ए क्यू। Z का वैल्यू कितना लेंगे? 4 मोलर मास ऑफ कैल्सियम फ्लोराइड CaF2 लेंगे, कैल्सियम का 20 फ्लोरिन का 19, दो फ्लोरिन 19 गुना 38 जोड़ देंगे, मोलर मास आ जाए कैल्सियम फ्लोराइड का। Na का वैल्यू 6 गुना 10 की पावर 23, ये रख लेंगे। अगर ए दिया हुआ है तो ए क्यूब लगा करके डेंसिटी निकाल लेंगे,
अगर ए नहीं दिया हुआ है आर के टाइम और आर एन आई दिया हुआ है तो आर के टाइम आर एन को जोर करके यहां से ए निकाल देंगे, रूट थ्री अगर फोर भेजेंगे ए निकल जाएगा, आइए यहाँ ए निकाल के सॉल्व कर लें, इससे हमारा डेंसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और रो बराबर कितना होता है, जनरल फॉर्मूला रो का क्या होगा, जनरल फॉर्मूला ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही ना। तो यूनिट सेल आपका क्या है, क्यूब है ना, तो ए क्यूब हो गया नीचे में, ऊपर में लिखे हैं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल एटम। एटम देखो यहां पे दो तरह का केटायन है और एनायन है, तो एक केटायन का जो वॉल्यूम होगा ये 4/3 पाई आर के टाइम का होल क्यूब, और केटायन है कितना, कैल्शियम डोनर प्लस आयन का संख्या कितना एक यूनिट सेल में, चार है, तो चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एनायन के वॉल्यूम की मैं बात करूं तो 4/3 पाई आर एनायन का होल क्यूब, ऐसे से कितने एनायन, आठ एनायन, एनायन का संख्या कितना है आठ, तो आठ से इसको मल्टीप्लाई कर दी और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। ऐसे एक दो बातें और कर लेते हैं हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, ये बताना है आपको, जो सोचिए पहले आप लोग प्रोफेशन लिखते रहते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन बताना है। हम फिर दूसरा सवाल लिखते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायन, या चलो टू केटायन पहले लिख लेते हैं, बिटवीन टू केटायन। फिर तीसरा सवाल हम फ्रेम करते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायन, पहला लिखे केटायन और एनायन के बीच का न्यूनतम दूरी बताइए कितना होगा, दूसरा लिखे दो केटायन के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, और तीसरा लिखे कि दो एनायन के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, इसको जरा अच्छे समझिए। और तीसरा वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आ भी चुका है एक बार। देखिए नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, केटायन और एनायन का सबसे न्यूनतम दूरी कब होगा, ऑब्वियस है जब एक केटायन जब एनायन के साथ टच में हो, तो केटायन एनायन जब टच में होगा तो उसका दूरी आर केटायन प्लस आर एनायन होगा, और ये दूरी कितना है, आर केटायन प्लस आर एनायन, और ये दूरी है कितना, रूट थ्री ए बाई फोर, ये रूट थ्री ए बाई फोर हो जाएगा, है कि नहीं, ये आर केटायन प्लस आर एनायन होगा, ये रूट थ्री ए बाई फोर के बराबर है कि नहीं। अब nearest distance between two cation, अब जरा सोचो पहले cation आपका calcium डोनर प्लस आयन है ये, और calcium डोनर प्लस आयन है कहाँ पे, calcium डोनर प्लस आयन है abscissae lattice point पे, और याद करो कि अगर मुझे दो anion के बीच का न्यूनतम दूरी निकालना है, दो cation के बीच का न्यूनतम दूरी निकालना है, तो obviously जब दो cation touch में हो और cation जो है वो abscissae lattice point पर present है, तो याद करो जब हमने आपको एफसीसी पढ़ाया था तो हमने आपको समझाया कि एफसीसी में एक एटम दूसरे एटम के अबाव, एक एटम दूसरे एटम के अबाव जो है एक दूसरे के साथ ए बाई रूट टू डिस्टेंस पे टच में होता है, याद करो एफसीसी में ए बाई रूट टू डिस्टेंस पे टच में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो के टाइम के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, ए बटा रूट टू, ए बटा रूट टू डिस्टेंस बिटवीन टच में होगा, है कि नहीं। अब नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है, कई बार आपके एग्जाम पूछ दिया है दो एनायन के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो आप एक प्रश्न समझिए पहले, एनायन है कहां पे, एनायन है आपके टेट्राहेड्रल पॉइंट, एफसीसी जब बनाएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम व्हिच इज आल्सो नोन एज सीसीपी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, और क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग में दो तरह का पॉइंट होता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, आपको याद होगा टेट्राहेड्रल वॉइड
सारे के सारे कैटायन व्हाइट बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होता है, एक वाइट डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल व्हाइट प्रेजेंट होता है, तो ऐसे चार वाइट डायगोनल होते हैं इसलिए आठ टेट्राहेड्रल व्हाइट प्रेजेंट होगा, आठ। और आपको याद होगा कि जब आठों टेट्राहेड्रल व्हाइट के सेट मिलाते हैं, आठों टेट्राहेड्रल व्हाइट को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद एक स्मॉलर क्यूब बनता है, स्मॉलर क्यूब, ये कल पढ़ाए होंगे आपको, और उस स्मॉलर क्यूब का जो एज लेंथ होता है वो ए बाई टू के बराबर है। तो एक बात जरा सोचिए ना कि अगर टेट्राहेड्रल व्हाइट को मिलाने से अगर क्यूब बनता है तो दो टेट्राहेड्रल व्हाइट के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, अभी से उसका एज लेंथ, और उसका एज लेंथ एक एटम में कितना होता है, ए बाई टू। इसका मतलब कि ए बाई टू, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए बाई टू है कि नहीं, ए बाई टू। तो इस तरीके से आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट आपको डिटेल पढ़ा दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फोर नंबर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अभी हम लोग पढ़े थे फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर को आपने कहा था ए एक्स टू टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो एंटी फ्लोराइड 2:1 type of structure is called antifluoride structure। मतलब आप A2X type structure को क्या बोल सकते हैं, antifluoride structure। तो अगर हमें example लेना होगा तो कई सारे ऐसे example हो सकते हैं जो A2X type में होंगे, जैसे sodium oxide Na2O, sodium sulfide Na2S है कि नहीं। मतलब हम लोग चलिए इसी के आधार पे एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, हमें पढ़ना है सोडियम Na2O स्ट्रक्चर। चलिए ये हम पढ़ना है Na2 स्ट्रक्चर क्या 2:1 में है कि नहीं, बिल्कुल 2:1 में। इसमें देखो दो तरह का बेसिस है, अब देखो सेम ऐसे निकलेगा फ्लोराइड जैसा ही, थोड़ा इसको तेजी से बढ़ाते हैं ठीक है। इसमें दो तरह का बेसिस है, एक Na+ है एक O पे डबल बॉन्ड है। जनरली के टाइम क्या होता है, स्मॉलर आयन यहाँ हैवी, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड में नहीं होता था, ये स्मॉलर आयन है और ये आपका है बिगर आयन, है ना, ये बिगर आयन। और जो बिगर आयन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिगर आयन याद करो आयनिक कंपाउंड है, काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस है कि वो क्लोजेस्ट पैकिंग बनाएगा, मतलब वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एफसीसी। तो ये आपका FCC लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है एनायन बिगर आयन, और इसके कारण जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं, दो तरह का वॉइड क्रिएट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टेहेड्रल वॉइड। अब जरा सोच कर बताओ मुझे, सोचो थोड़ा, सोचने के लिए कहें आपको कि सोच करके बताइए मुझे कि Na+ फिर कहां रहना चाहेगा, Na+ जो स्मॉलर आयन है, फॉर्मूला Na2 है, इसके अकॉर्डिंग वो कहां रहना चाहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में या ऑक्टेहेड्रल वॉइड में। ऑब्वियस है उसका आंसर होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, क्यों, क्योंकि बिगर आयन अगर एफसीसी लैटिस पॉइंट पे तो इसका संख्या कितना होगा, चार, चार इसका संख्या होगा। अगर आप ऑक्टेहेड्रल वॉइड में सोचते हैं Na+ को तो इसका भी संख्या चार होगा, चार चार का रेशियो 1:1 होगा, फॉर्मूला हो जाएगा NaO, लेकिन फॉर्मूला NaO तो होता नहीं सोडियम ऑक्साइड का, तो इसका मतलब इसको होना चाहिए आठ, मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, तब ना आठ और चार का रेशियो 1:1 होगा तो Na2O फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना, और यही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सारे पैरामीटर्स निकल गए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लगाते हैं जरा, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ ओपी डबल माइनस आइन पर इमिट सेल की कितना होगा, ओपी डबल माइनस आइन का संख्या पर इमिट सेल कितना होगा, उसका इफेक्टिव संख्या। तो ओपी डबल माइनस आइन है कहां पे, एफसीसी में, तो इसका संख्या कितना है, ऑब्वियसली चार आएगा। वैसे ही अगर आपसे पूछे इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ आयन
पर यूनिट सेल में। तो एन ए प्लस आयन कहाँ पे? टेट्राहेड्रल में इसकी संख्या कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। और अगर आपसे पूछे कि Na2O सोडियम ऑक्साइड Na2O मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल ये कितना होगा, तो जरा सोच के देखो, एक यूनिट सेल में सोडियम का संख्या 8 है, ऑक्सीजन का संख्या 4 है, तो सोडियम 8 और ऑक्सीजन 4 से कितने सोडियम ऑक्साइड बनेंगे? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर आगे बात करेंगे क्वार्टनेशन नंबर, तो क्वार्टनेशन नंबर बताना किसका आसान है? स्मॉलर आयन का, और स्मॉलर आयन को नेगेटिव आयन। क्वार्टनेशन नंबर ऑफ अगर Na+ पूछे जो कि इन टेट्राहेड्रल वॉइड में इन TV, तो Na+ आयन का क्वार्टनेशन नंबर किसको बोलेंगे? कि एक जो Na+ है वो कितने O के O पे डबल माइनस आयन से टच में, एक केटायन कितने एनायन के टच में, केटायन का क्वार्टनेशन यहां तो बताना बहुत इजी हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड में तो अभी से 4 एनायन के टच में होगा, इसका क्वार्टनेशन नंबर 4 होगा। और अगर हमें बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O पे डबल माइनस आयन, ये है कहां पे? इन एफसीसी लैटिस पॉइंट, इन एफसीसी लैटिस पॉइंट O पे डबल माइनस आयन कितने Na+ के टच में, मतलब कितने टेट्राहेड्रल वॉइड के टच में होगा। तो आप याद करो, कॉर्नर पे रखा हुआ O पे डबल माइनस आयन और टेट्राहेड्रल वॉइड 3/4 डिस्टेंस पे होगा वॉइड एल के बाहर, और ये इसी यूनिट सेल में ये 3/4 डिस्टेंस पे एक मिलेगा, और ऐसे कई सारे यूनिट सेल है बगल में भी, ये पीछे भी ऊपर भी, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 इसका हो जाएगा क्वार्टनेशन नंबर। और अगर ये नहीं समझ में आया 8 कैसे आया है, तो फिर आप लगा लीजिए एटम का रेशियो, देखो 2:1 है तो उनकी क्वार्टनेशन और रेशियो के रेसिप्रोकल बराबर होगा, तो क्वार्टनेशन नंबर कितना ऑफ O पे डबल माइनस आयन डिवाइडेड बाय क्वार्टनेशन नंबर किसका Na+ आयन। अब Na+ आयन का तो आराम से बता दें, 40 का हो गया, O पे डबल माइनस आयन कितना आ जाएगा, देखो गुणा होगा तो 8 आ जाएगा, देखो 8 आ रहा है, तो आप इन तरीके से भी बता सकते हो क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम अगर हम R केटायन प्लस R एनायन, केटायन एनायन के बीच की दूरी की बात करें, अगर हम सम की बात करें केटायन प्लस एनायन, तो केटायन एनायन बॉडी डायगोनल के अबाउट √3/4 डिस्टेंस पे टच पे, तो √3a/4 केटायन एनायन ऑलवेज टच में होता है, इसका मतलब कि ये जो दूरी है ऑलवेज ट्रू होगा। और अगर केटायन और एनायन के रेशियो की बात करें, जिसको रेडियस रेशियो कहते हैं, r स्मॉलर बटा r बिगर, और केटायन यहां पे स्मॉलर ही है इसलिए r केटायन का r एनायन ये कितना होगा 0.225 225 या तो केटायन वाइड के से ये ट्रू ओनली इन आइडियल केस व्हेन एनायन r Na2O सोडियम का 23, दो ऑक्सीजन 23 और 46 प्लस ऑक्सीजन 16, 46 प्लस 16 जोड़ देंगे Na, Na का मतलब हुआ, Na का मतलब हुआ हमको क्या चाहिए, Na का मतलब, Na मतलब है वाटर नंबर 6 में 10 की पावर 23, इसको रख लेंगे। अगर A दिया हुआ है तो A क्यूब निकाल के क्या रख देंगे, A क्यूब। अगर A नहीं दिया हुआ, R का टाइम आ गया, तो दोनों को जोड़ करके यहां से A निकालेंगे, आप पुट करेंगे डेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन जिसको रो कहते हैं, रो जनरल फॉर्मूला क्या होता है रो का, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल आयंस, जितने भी आयन उसके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जरा देखते हैं क्या, या इधर ही कर लेते हैं हम लोग, सही कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो आसान है ए क्यूब। अच्छा आयंस दो तरह का, केटायन है और एनायन है,
एक कैटायन का वॉल्यूम कितना लिखे, 4/3 पाई आर कैटायन का होल क्यूब। और ऐसे से कितने कैटायन है, कितने हैं आप देख सकते हैं, कैटायन 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 Na+ 8, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्लस एक एनायन का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर एनायन का होल क्यूब, और कितने एनायन, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो टोटल वॉल्यूम आ गया आयंस का, और नीचे में एक क्यूब वॉल्यूम ऑफ एनायन से डिवाइड कर दिए, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। चलिए इसके बाद दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, केटायन एनायन के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, फिर आपसे पूछ रहे हैं नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायन, दो एनायन के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, और नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायन, दो केटायन के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा। तो आप जरा समझिए, केटायन और एनायन का न्यूनतम दूरी तब होगा जब दोनों टच में, मतलब दोनों टच में होने का मतलब आर केटायन प्लस आर एनायन, तो आर केटायन प्लस आर एनायन यही होगा न्यूनतम दूरी एनायन केटायन के बीच का, और ये कितना है, √3a/4। तो ये तो चलो पहला वाला तो क्लियर है, √3a/4 है ना। और दो एनायन के बीच का न्यूनतम दूरी, दो एनायन, एनायन है कहां पे, तो ये देख लीजिए एनायन एफ से सिलेटिस पॉइंट, और एफ से सिलेटिस पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होता है, a/√2। फिर उसके बाद टू केटायन, केटायन कहां है, दो केटायन के बीच का न्यूनतम दूरी टेट्राहेड्रल वॉइड में, और याद करो दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, a के टर्म्स में a/2, ये a/2, और ये आपका एंटीट्रॉयड स्ट्रक्चर भी निकल गया। इसको मैं कंप्लीट पढ़ा दिए, इसको पहले नोट कीजिए, फिर एक और स्ट्रक्चर पढ़ना है उसको पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी नोट करेंगे आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग पांचवा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिफ्थ स्ट्रक्चर, और नाम है सी प्लेन स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेन स्ट्रक्चर, और सवाल ये जिंक ब्लेन कहते हैं किसको है, तो जिंक ब्लेन ये कॉमन नेम होता है दोनों, जिंक ब्लेन, जिंक ब्लेन आपको याद होगा कहते हैं किसको, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। जिंक ब्लेन हम लोग कहते हैं जिंक सल्फाइड को कहते हैं, जिंक सल्फाइड, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सेलेनस, स्ट्रक्चर ऑफ सेलेनस। आपको याद होगा आप अपने बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जब आप पढ़ते होंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, तो उसमें एक प्रोसेस करना होता था, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहते थे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जनरली सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है, जनरली 10th क्लास में सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फेन उत्पल्लवन विधि सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है। और उसी में आप पढ़े होंगे जिंक ब्लेन, एक सल्फाइड ओर है जिसका फॉर्म होता है ZnS, सिनेबार, HgS, ग्लेना, PbS, ये सब के लागू होता था। तो याद होगा कि जिंक ब्लेन ZnS जिंक सल्फाइड को ही जिंक ब्लेन कहते हैं, तो इसका मतलब आपको जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ZnS का स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। चलिए अब देखते हैं इसमें जरा, इसमें दो तरह का बेसिस है, एक तो आपका है Zn++ Zn पे डबल प्लस, और एक आपका है S पे डबल माइनस है, S पे डबल माइनस है। Zn++ आपका क्या है, केटायन है, और S double line पर माइनस साइन क्या है, एनायन, ये केटायन ये एनायन। अब जरा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, सल्फाइड आयन बिगर आयन है, जिंक डबल प्लस आयन स्मॉलर आयन है, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम, S double line माइनस साइन है, ये आपका बिगर आयन है और ये आपका स्मॉलर आयन है। अब याद करें थोड़ा, हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि जो एनायन होता है, जो बिगर आयन होता है, वो वन ऑफ द ब्रेविस लैटिस को ऑक्युपाई करता है, वन ऑफ द ब्रेविस लैटिस, और चूंकि आईडी कंपाउंड काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है
तो बी का आयन किसको ऑक्युपाई करेगा, एफ सी सी लैटिस पॉइंट, तो ये एफ सी सी लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करता है। अभी तक जो भी हम पढ़े ज्यादातर में देखोगे एफ सी सी लैटिस पॉइंट ही ऑक्युपाई कर रहा है, तो एफ सी सी लैटिस पॉइंट। अब चलो ये तो एफ सी सी बना लिया बी का आयन, और इसके ऑक्युपाई करने से दो तरह का वॉइड क्रिएट होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब सवाल ये है कि जो वॉइड में मतलब जेड एन डबल प्लस आयन ऑब्वियस वॉइड में जाएगा तो वो किस तरह के वॉइड में जाएगा, क्या वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। तो आप लोग थोड़ा आप होशियार हो गए होंगे, थोड़ा आप समझदार हो गए होंगे, आप लोग ऑब्वियस इसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए, या आ भी रहा होगा कि सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इसलिए क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जिंक का संख्या, सल्फर का संख्या तो सर आपने चार बता दिया है एफसीसी लैटिस पॉइंट में, तो जिंक का संख्या भी चार होना चाहिए, और चार होने के लिए जेडन डबल प्लस आयन को जाना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तभी जाकर के जेडन एस फॉर्मूला होगा। चलिए ठीक, लेकिन जरा सोचो दिमाग पे जोर डालो, अगर ऐसा हुआ रहता तब तो फिर आपको जेडन एस का स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऐसा ही स्ट्रक्चर तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड में एनायन एफसीसी लैटिस पॉइंट पे होता है और केटायन जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। तो अगर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता सोडियम क्लोराइड के जैसा ही, तो इसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती। आप सिंपल बोल देते कि जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है वो सोडियम क्लोराइड के जैसा है, हम समझ लेते हैं क्या क्या है उसमें, क्या जितनी भी चीजें वो सब एक जैसा हो जाएगा, फिर इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब एक बात समझिए थोड़ा, ऐसा नहीं होता है तो सर कहां रहेगा, फिर वॉइड में रहेगा, और वॉइड में रहेगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। लेकिन सर टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर रहेगा तब तो फॉर्मूला बदल जाएगा, तब तो फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला हो जाएगा जेडन टू एस, जबकि जिंक सल्फाइड का जेडन एस होता है। तो देखिए जरा समझिए पहले, जो स्ट्रक्चर है अभी तक मैंने जितना भी आपको स्ट्रक्चर समझाया वो हम सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाया, लेकिन आप ये समझिए कि जो स्ट्रक्चर है वो तो भाई इंटरनल चीज है, उसको हम लोग क्या करते हैं एक्सरे इन्वेस्टिगेशन से देखते हैं, एक्सरे इन्वेस्टिगेशन से। और एक्सरे इन्वेस्टिगेशन से देखा गया कि जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में जो जिंक पे डबल प्लस आयन है वह टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, लेकिन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होता है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। देखिए हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी हो गया, फॉर्मूला भी देखो अप्लीकेबल हो जाएगा, फॉर्मूला भी नहीं बदलेगा, और साथ ही साथ ये जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड से देखो अलग भी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये याद रखेंगे तभी काम बनेगा, है ना, याद रखेंगे हम लोग कि जिंक सल्फाइड में जिंक डबल प्लस आयन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है और एनायन आपके एक्सिस लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, तभी काम बनेगा। चलिए अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें सीखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं इफेक्टिव नंबर ऑफ एस पी डबल माइनस आयन पर यूनिट सेल, सल्फाइड डबल माइनस आयन पर यूनिट सेल एफसीसी में, इसका आंसर कितना होगा चार। अगर हम आपसे पूछेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ जिंक डबल प्लस आयन पर यूनिट सेल, ये भी कितना आएगा चार। क्यों? देखिए चार कैसे आया, किस में प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये चार बना है तो वो आठ बनता, लेकिन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड देखो चार आएगा कि नहीं, चार हो गया। इसलिए अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे पर यूनिट सेल, ये कितना आएगा चार आएगा, चार सल्फाइड आए, चार जिंक डबल प्लस आयन ऑब्वियस है, जेडन एस मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे चार। चलो ये हो गया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो पहले तो ये समझ कोऑर्डिनेशन को बताना किसका आसान है, केटायन का, वॉइड्स का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अगर जेडन पे डबल प्लस आयन की बात करें जो कि है किसमें इन टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना मिलेगा चार मिलेगा। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस पी डबल माइनस आयन जो कि है कहा इन एफसीसी लैटिस पॉइंट, ये कितना मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा अपने को कितना चार मिलेगा। तो देखिएगा अच्छे से, देखते हैं चार होगा आठ होगा कैसे होगा, इसको देख लेते हैं जरा। एस पी डबल माइनस आयन देखो दोस्तों अल्टरनेटिव इस बार है, अल्टरनेटिव डेटा वाइड है, तो आप ये मत सोचिए कि चार नीचे चार ऊपर, आठ नहीं मिलेगा,
और नहीं तो आप दूसरे तरीके से समझिए कि एटम का जो रेशियो 1:1 आया केटायन और एनायन का रेशियो 1:1 आया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन बटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन ये बराबर होता है पढ़ाएं आपको है ना। तो जरा सोचो जेड डॉट पर साइन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो एस पे डबल बटा साइन कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा 4 ही होगा इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा ये जाकर करो। चलिए फिर आगे देखते हैं जरा आपको अगर हम बात करें केटायन और एनायन के रेडियस का सम तो ये कितना आ जाएगा ऑब्वियस है टेट्राहेड्रल वाइड में है तो √3 ए वाई 4 डिस्टेंस भी होगा। अगर केटायन और एनायन की रेडियस रेशियो की बात करें चूंकि टेट्राहेड्रल वाइड में तो 0.225 होगा 225 ये ओनली ट्रू इन आइडियल केस ये वाला आपका ऑलवेज ट्रू होगा हमेशा ट्रू इसलिए क्योंकि केटायन एनायन हमेशा कांटेक्ट में रहेगा है ना और ये हो भी सकता है नहीं हो सकता इसलिए आपका जो रेशियो है वो आइडियल केस में बराबर होगा 0.225 के बराबर ठीक। इसके बाद आइए अगर हम डेंसिटी की बात करें जिंक सल्फाइड की डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला में आपको पढ़ाया था जेड या तो जेड इंटू एन एन ए इंटू ए क्यू तो कितना बार हम लिखे हैं आपको याद हो गया होगा जेड का वैल्यू इसके लिए कितना है 4 मोलर मास ऑफ जेड एन एस एन ए का वैल्यू 6×10^23 ये तो फिक्स वैल्यू ए अगर दिया हुआ ए क्यू रख दीजिए यहाँ पे अगर ए नहीं दिया हुआ है आर के टाइम आर एन एन दिया दोनों को जोड़ करके ए निकाल लीजिए और ए को याद रख दीजिए डेंसिटी आ जाएगी। अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं रो की बात करूं तो रो बराबर क्या होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल आयंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। अब टोटल आयन दो तरह का है केटायन एंड एनायन तो एक केटायन का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर केटायन का होल क्यूब और ऐसा ऐसा कितना केटायन बन रहा है केटायन आप देख सकते हैं जेड डबल प्लस आयन 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस एक केटायन का वॉल्यूम 4/3 पाई आर एनायन का होल क्यूब ऐसे से 4 एनायन बन रहा है डिवाइडेड बाय कितना कर ए क्यूब देखो ये हो जाए पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये आपका जिंक प्लेट का स्ट्रक्चर खत्म हो गया क्या इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर ले एक थोड़ा सा छोटा सा एक स्ट्रक्चर पढ़ना है आपने को है ना वो देखेंगे हम लोग एक और स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको थोड़ा समझिएगा। अभी जो मैंने आपको जिंक प्लेट स्ट्रक्चर पढ़ाया था जिंक प्लेट के जैसा ही एक और है सब्सटेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है डायमंड। डायमंड का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है डायमंड से कई बार क्वेश्चन आ चुका है आप जानिए थोड़ा सा जो डायमंड होता है डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है सी कार्बन और डायमंड का फॉर्मूला कार्बन होता है सी होता है और डायमंड में एक ही तरह का बेसिस है और आप ये भी जान लीजिए कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो हूबहू जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर से मैच करता है। जिंक ब्लेंड में जहां जहां पे आप जिंक देख रहे थे जिंक पे डबल प्लस आयन और जहां जहां पे आप सल्फाइड आयन देख रहे थे एस पे डबल माइनस आयन वहां वहां पे आप डायमंड के स्ट्रक्चर में आप वहां पे कार्बन सोच लीजिए डायमंड के स्ट्रक्चर के लिए आप वहां पे क्या सोच लीजिए कार्बन सोच लीजिए वही आपके डायमंड का स्ट्रक्चर होगा। मतलब देखिए डायमंड कैसा है हम नोट में करके डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा देते हैं नोट में करके स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एक लाइन लिखते हैं डायमंड हैज सिमिलर स्ट्रक्चर of zinc blend. Diamond has similar structure of zinc blend
इन विच जिसमें सारे कार्बन एटम ऑल कार्बन एटम लाइज या ऑल कार्बन एटम आर प्रेजेंट एट एफसीसी लैटिस पॉइंट एंड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल पॉइंट, मतलब वही हुआ ना, जहां जहां पे जिंक डबल प्लस आया था, जहां जहां पे एसके डबल माइनस आया था, अब वहां वहां पे क्या रहेगा, सिर्फ कार्बन रहेगा। डायमंड हैज सिमिलर स्ट्रक्चर एज जिंक प्लेन, सिमिलर स्ट्रक्चर एज जिंक प्लेन इन विच ऑल कार्बन एटम आर प्रेजेंट एट एफसीसी लैटिस पॉइंट एंड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल पॉइंट एट हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल पॉइंट, आधे टेट्राहेड्रल पॉइंट प्रेजेंट होगा और सारे एफसीसी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, ये डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम इन डायमंड, आपको डायमंड में दो कार्बन एटम के बीच का डिस्टेंस बताना है कितना होगा, दो कार्बन एटम के बीच। ऑब्वियसली देखो कितना होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम या दो नियरेस्ट कार्बन एटम, ऐसे लिखना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस लिखना चाहिए मुझे, चलो ऐसे कर देते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम ये कितना हो जाएगा, दो कार्बन एटम के बीच का न्यूनतम दूरी याद करो, कॉर्नर एफसीसी लैटिस पॉइंट और ये रूट थ्री बाई फोर, ये वाला ये सबसे कम डिस्टेंस होगा दो कार्बन के बीच का, तो ये हो जाएगा रूट थ्री ए बाई फोर। और अच्छे से देखिए दो कार्बन एटम के बीच का न्यूनतम दूरी को क्या हम लोग टू आर रेडियस ऑफ कार्बन के टाइम में लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें दो तरह का लैटिस नहीं है, सॉरी दो तरह का बेसिस नहीं है, तो दो 2R के टाइम सॉरी 2R कार्बन रेडियस ऑफ कार्बन बराबर रूट थ्री ए बाई फोर, तो आर सी बराबर कितना लिख सकते हैं रूट थ्री ए बटा आर, मतलब आप बोल सकते हैं एक पॉइंट और भी यहां से देखो निकल के सामने आ गया, अगर रेडियस ऑफ कार्बन एटम सी एटम आर सी रेडियस ऑफ कार्बन जिसको बोल रहे बराबर कितना आ रहा है रूट थ्री ए बाई डायमंड में एक यूनिट सेल में कार्बन का इफेक्टिव संख्या कितना है कोई बता सकते हैं, अब जरा समझिए कितना आएगा, आठ आना चाहिए, कैसे, कार्बन कहां प्रेजेंट है एफसीसी लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट है पहला चीज, और कार्बन कहां प्रेजेंट है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल पॉइंट में, तो अगर एफसीसी लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट है तो चार और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल पॉइंट में प्रेजेंट है चार, चार से आठ हो जाए। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ डायमंड तो पहले डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है आप लोग, डेंसिटी डी बराबर कितना होता है जेड इंटू एम बटा Na into Aq, तो Z का वैल्यू कितना लेंगे 8 मोलर मास ऑफ कार्बन लेंगे 12 इसको ले सकते हैं हम लोग, चलो Mc चलो 12 लिख ही देते हैं यहां पे, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय Na 6 का 10 की पावर 23 Aq अगर A दिया हुआ है तो ठीक है Aq रख दिए, अगर A नहीं दिया हुआ है R दिया हुआ तो R के टाइम यहां से A निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेंगे है कि नहीं, तो हो जाएगा हमारा डेंसिटी निकल जाएगी। अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन, देखो ये आ चुका है डेंसिटी भी आया है पैकिंग फ्रैक्शन भी आ चुका है, पैकिंग फ्रैक्शन आप लोग निकाल लेंगे रो, डायमंड में पैकिंग फ्रैक्शन रो बराबर कितना लिख सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला कितना होगा ऑक्यूपाइड आया तो है नहीं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई टोटल एटम एक कार्बन एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर
कार्बन का होल क्यूब इनटू ऐसे कितने एटम होंगे 8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। सॉल्व कर लेंगे हमारा वॉल ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा है कि नहीं, ये निकल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लिए, पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। इसके बाद अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, एक लेक्चर क्वेश्चन का आएगा और एक से दो लेक्चर हम आपको डिफैक्ट पढ़ाएंगे, दो लेक्चर में डिफैक्ट खत्म हो जाएगा। तो मेरे को लगता है 3 लेक्चर और बचा हुआ ही खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।